हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट, जिसे हम फेलिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं. ओके, सो फेलिंग टेस्ट में हम यूज़ करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन. ओके, सो आज हम ये पढ़ेंगे. सबसे पहले हम आगे वीडियो में देख लें गाइस, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स इसको बीच में देखना चाहते हैं उन्हें थोड़ा ईजी हो जाए. राइट, सो गाइस, हम पहले बेसिक इंट्रो देखेंगे कि फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में क्या है फेलिंग सॉल्यूशन. ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से रिएजेंट्स या कौन कौन से कंपाउंड्स पॉजिटिव टेस्ट देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ और कौन कौन से नहीं देते. राइट, उसके बाद देखेंगे कि लैब में कैसे बनाया जाता है फेलिंग सॉल्यूशन और उसके बैकएंड पे क्या रिएक्शंस चलती हैं. राइट, और उसके बाद हम ये कुछ क्वेश्चंस हैंडल करेंगे जो कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से और IIT JEE या दूसरे एग्जाम्स के एस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. राइट, सो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, बेसिकली जो फेलिंग सॉल्यूशन है या फेलिंग टेस्ट है, वो डेवलप किया था एक जर्मन केमिस्ट ने, जिनका नाम था हर्मन वॉन फेलिंग. ओके, और एज द नेम सजेस्ट, फेलिंग से ही फेलिंग सॉल्यूशन आया, फेलिंग्स सॉल्यूशन. सो हर्मन वॉन फेलिंग ने, ये जो जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने इन 1849 ये टेस्ट डेवलप किया था. राइट, नाउ बेसिकली गाइस, जो हम यूज़ करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, अगर आप ऊपर से देखें तो बेसिकली इट इज़ यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स. राइट, एल्डिहाइड्स को केटोन से डिफरेंशिएट करने में लैब्स में. राइट, सपोज दो टेस्ट ट्यूब में है, मुझे पता है कि एक टेस्ट ट्यूब में या तो कोई एल्डिहाइड है या एक टेस्ट में कोई सपोज कीटोन है, तो उसमें हम फेलिंग सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं. बट दिस इज अ कैच हियर कि गाइस, सभी एल्डिहाइड्स फेलिंग सॉल्यूशन को पॉजिटिव देंगे, इट इज़ नॉट ट्रू. कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. राइट, ऐसे ही सभी कीटोन्स, तो कोई भी कीटोन टाइप का, किसी भी तरह का कीटोन है, एक्सेप्ट वन टाइप ऑफ कीटोन, इसमें भी एक एक्सेप्शन है. राइट, एक एक्सेप्शन है इसमें, उसमें भी वो, उसके अलावा सभी केटोन पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते. राइट, सो गाइस, पहले सबसे पहले सॉल्यूशन के रिएक्शंस और सॉल्यूशन के एक्चुअली क्या रिएजेंट्स हैं जिससे हम बनाते हैं, उसे पढ़ने से पहले, ताकि वीडियो इंटरेस्टिंग रहे, इससे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से जो कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से जो रिएजेंट्स होते हैं, वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं. बेसिकली गाइस, मैंने ऐसा जैसा आपको बताया कि एल्डिहाइड्स पॉजिटिव टेस्ट देते हैं. राइट, लेकिन एल्डिहाइड्स में गाइस, अगर वे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड डोंट गिव फेलिंग सॉल्यूशन, यानी आई मीन फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते. राइट, अभी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, मेरी ये बताया मैंने कौन कौन से नहीं देते. राइट, एरोमेटिक एल्डिहाइड गाइस इस तरह के होते हैं जिसमें एक वैलेंसी पे एच होगा और एक वैलेंसी पे कोई भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा. इट कैन बी बेंजीन. राइट, और कोई भी दूसरा एटोम एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी वो नहीं देगा टेस्ट. राइट, सो एल्डिहाइड्स गाइस जनरली पॉजिटिव टेस्ट देते हैं. अगर मेरे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं तो वे भी पॉजिटिव टेस्ट देंगे, मतलब सॉल्यूशन का जो भी एंड में रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, यानी सक्सेसफुल होगा. गाइस, ये जरूरी है आप इम्पोर्टेंट देखिए कि अगर हेमी एसिटल्स भी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं. हेमी एसिटल्स क्या हैं गाइस? सपोज अगर किसी एक कार्बन पर एक OH ग्रुप एंड एक OR ग्रुप अटैच्ड है, तो उसको हम हेमी एसिटल्स बोलते हैं. राइट, तो हेमी एसिटल्स भी गाइस पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देते हैं. क्यों देते हैं ये हम आगे की वीडियो के आगे के पोर्शन में पढ़ेंगे. सिमिलरली गाइस, हाइड्रोक्सिल अमीन्स भी पॉजिटिव टेस्ट देंगे. प्लीज़ गाइस, इस बात को जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको याद कर ले, इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इसमें. सिमिलर गाइस, जैसे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स भी पॉजिटिव टेस्ट देती हैं. रिड्यूसिंग शुगर्स लाइक गाइस मोनोसेक्राइड, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेल्टोज, जिनका बेसिकली मोनोसेक्राइड गाइस होते क्या हैं, CnH2nO(n). अगर उनका ये आपका
जो जनरल फॉर्मूला है उनका ये है, तो वे आपको, वे मोनोसेक्राइड्स होंगे और वे पॉजिटिव सॉल्यूशंस देंगे। रिड्यूसिंग शुगर होते क्या हैं बेसिकली गाइस? रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, राइट? रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखें, इस बात पॉइंट आपको नोट करके रखें कि रिड्यूसिंग शुगर्स रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और दे गिव पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट, राइट? नाउ कुछ और एक बगार और ये गाइस, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी गाइस पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट जो होगा वो देगा। गाइस ये कुछ मैंने आपको बताया एग्जांपल, इनके रीजंस हैं कि ये क्यों देता है। एल्डिहाइड्स का तो हमने पढ़ लिया कि एल्डिहाइड्स को देखते हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं या हेमी एसिटल हाइड्रोक्सिल अमीन्स क्यों दे रहे हैं या फॉर्मिक एसिड क्यों दे रहा है, ये अभी हम आगे के पोर्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से जो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते। गाइज मैंने आपको जैसे बताया कि केटोन्स जहाँ भी दिखेगा आपको उसको नकार दें, फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देगा। एक्सेप्शन एल्डिहाइड के केस में पढ़ा था कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डोंट गिव पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। क्यों देते हैं नहीं ये आगे पढ़ेंगे, ताकि स्टेप वाइज पढ़ेंगे, राइट? एरोमेटिक कीटोन्स नहीं देते एज आई सेड कि किसी भी टाइप का कीटोन्स है एक्सेप्ट दिस वन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। अगर अल्फा पोजिशन पे ये गाइस ये इसके जो बराबर पोजिशन है अल्फा है, और इसके अल्फा कार्बन पे जो OH जुड़ा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे। एक्सेप्ट दिस, ये कोई नहीं देता कीटोन, राइट? सिमिलरली गाइस जैसे हमने बताया कि हेमी एसिटल्स पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, उसके अलावा किसी भी टाइप का एसिटल या कीटल हो वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते, नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट देंगे, राइट? जैसे एसिटल गाइज, अगर एक कार्बन पे आई मीन एसिटल क्यों होगा? एसिटल गाइज एक तो सी पे एच है, राइट? ये ध्यान रखें आप, एल्डिहाइड और एसिटल। और अगर एक कार्बन पे दो ओ आर एंड ओ आर डैश हैं, यानी दो ओ आर ग्रुप हैं और एक एच ग्रुप है, तो उसको एसिटल बोलते हैं। सिमिलरली गाइज हेमिकेटल में क्या होगा? जैसे आप सी, अगर इस कार्बन पे सी एच थ्री तो है, सिमिलर जैसे एच था, आप एल्डिहाइड से कंपेयर कर सकते हैं इसको, और इसको आप केटोन से कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली गाइस अगर सी पे एक ओ एच और एक ओ आर जुड़ा है, प्रोवाइड डेट यहाँ पे सी दिए दो आर ग्रुप्स हों, तो उसको हेमी केटल्स बोलते हैं। और सिमिलरली अगर ये डिफरेंट हैं या आई मीन दोनों ओ आर ग्रुप हैं, तो उसको केटल बोलते हैं। खैर ये हमारी इस वीडियो के डोमेन में नहीं है, राइट? तो हमने इस देखा गाइस कौन कौन से सॉल्यूशन पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन नेगेटिव टेस्ट दे रहे हैं, राइट? नाउ आगे अब हम पढ़ते हैं बेसिकली फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में, उनके रिएजेंट्स बनाते हैं हम कैसे हैं। नाउ गाइस बेसिकली जो फेलिंग सॉल्यूशन है, इट्स अ ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स। अगर आप फेलिंग सॉल्यूशन को देखेंगे किसी टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें आपको अगर फेलिंग सॉल्यूशन है तो एक ब्लू कलर का कंपाउंड दिखेगा, राइट? इसमें अगर फेलिंग सॉल्यूशन है तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होगा, राइट? आप इस बात को ध्यान रखें। नाउ गाइज एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम कोई टेस्ट यूज़ करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशंस को कंबाइन जो दो तरह के कंपाउंड्स हैं बेसिकली, फेलिंग ए फेलिंग बी बोलते हैं, या फेलिंग वन या फेलिंग टू भी बोल सकते हैं आप, उन टाइप के कंपाउंड, दो टाइप के कंपाउंड्स हैं, जब भी हम कोई टेस्ट करेंगे इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं और वो कंबाइन होके फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। और उस फेलिंग सॉल्यूशन में, सपोज ये फेलिंग सॉल्यूशन है, हम बाद में अपना कोई कंपाउंड टेस्ट करने के लिए डालेंगे, राइट? समझ में आपको? आई मीन कोई कंपाउंड है उनको मिक्स कर देंगे, कोई मेरा कंपाउंड है सपोज एल्डिहाइड है। नाउ गाइस एक्चुअली फेलिंग ए, आपका जो फेलिंग ए है उस वो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट? एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या जिसे बोल सकता हूँ कि ब्लू विट्रियोल इसका नाम होता है, आप एज एन इन्फो एक याद रखें, या मैं एक्वस कॉपर कॉपर सल्फेट, या गाइस इसे बोल सकता हूँ एक्वस कॉपर सेकेंड सल्फेट बोल सकता हूँ, राइट? इसमें बेसिकली जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू में है, आप ये याद रखें, राइट? एक्वस का मतलब वाटर कंटेंट है इसमें। नाउ सिमिलरली गाइस फेलिंग बी में क्या होता है कि जो मेरा एक कंपाउंड है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, या उसको मैं गाइस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी बोल सकता हूँ, जब भी किसी स्ट्रोंग एल्कली लाइक
NH4OH या NaOH या एट्सेट्रा, इस टाइप के कंपाउंड को हम जब मिक्स करते हैं स्ट्रोंग, यानि कि जब भी कोई एक्वस पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट गाइस जब मेड किया जाएगा यानि बनाया जाएगा यानी स्ट्रोंग एल्कली, स्ट्रोंग एल्कली मतलब स्ट्रोंग बेस, तो उसको गाइस हम स्ट्रोंग बेस में आप NaOH ले सकते हैं या NH4OH या कोई दूसरा और स्ट्रोंग बेस, तो उसको गाइस हम फेहलिंग बी सॉल्यूशन बोलते हैं। नाउ ना एक ये है कि जो ये फेहलिंग बी सॉल्यूशन है गाइस की NH4OH अगर यूज़ किया मैंने और टार्ट्रेट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इसका जो स्ट्रक्चर है इसको यूज़ किया तो उसको हम रोशेल साल्ट बोलते हैं, राइट। आप ये ध्यान रखिए गाइस, ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो फेहलिंग ए उसका नाम ब्लू विट्रियोल है और जो फेहलिंग बी है आपका रोशेल साल्ट। नो गाइस, बहुत बार गाइस जो पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट है वो कंफ्यूज आते हैं लोग। बेसिकली गाइस अगर आपको टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद है, टार्ट्रिक एसिड क्या होता है कि यहाँ पे C double OH H या और OH इधर OH, ये जो इस टाइप ग्रुप को मैं बोलता हूँ टार्ट्रिक एसिड। और सिमिलरली ये एसिडिक एच निकाले, एसिडिक एच निकाले और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया नेगेटिव, क्योंकि एसिडिक एच आयन निकले तो नेगेटिव आ गए। और सिमिलरली किसने निकाले, सपोज ये NaOH है गाइस, यहाँ के मान लीजिए के है, राइट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इस टाइप से आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। नाउ अब हम देखते हैं गाइस कि ये रिएक्शंस होती कैसी हैं। आई होप गाइस आपको अब तक इसमें समझ में आ रहा होगा कि फेहलिंग ए और फेहलिंग बी है क्या। नाउ गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि फेहलिंग ए प्लस बी को मिला के मैंने लैब में फेहलिंग सॉल्यूशन तैयार किया, राइट, एक टेस्ट ट्यूब में फेहलिंग सॉल्यूशन तैयार किया, वो है मेरा ब्लू कलर्ड, राइट। उसको मैंने मिक्स किया गाइस एक, सपोज कोई भी मेरा कंपाउंड है, सपोज हियर आई हैव एल्डिहाइड, राइट, उसको जब मैं मिक्स करूँगा, राइट, तो एक्चुअली वेदर इट इज़ जो मेरा लैब में टेस्ट ट्यूब में कि ये पॉजिटिव टेस्ट दिया है या नेगेटिव टेस्ट दिया है, बेसिकली पता कैसे चलेगा, अगर ये ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स ये जो ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स है जब एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड से या वेस्ट जो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव टेस्ट देंगे, राइट, एल्डिहाइड जैसे या पॉजिटिव टेस्ट देंगे जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स या हाइड्रोक्सिलमाइंस एट्सेट्रा, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, वे अगर रिएक्ट हैं रिएजेंट दे रहे हैं या पॉजिटिव देंगे, तो गाइस ये जो ब्लू सॉल्यूशन है डेट विल कन्वर्ट इनटू अ रेड कलर्ड सॉल्यूशन, राइट, रेड कलर्ड सॉल्यूशन में तैयार हो जाएगा। अब ये होता क्यों है आप अब समझिए। नाउ गाइस, बैक एंड पे जब रिएक्शंस हो रही है वो हो क्या रही है कि जब भी कोई एल्डिहाइड मेरा, मैं एल्डिहाइड गाइस इसलिए ले रहा हूँ कि एल्डिहाइड बेसिक एंटिटी है इसलिए एल्डिहाइड ले रहा हूँ, सबको अलग लेने की, अगर जब मैं एल्डिहाइड को ले रहा हूँ तो इसका मतलब आप मान कर चलिए कि वे जो कंपाउंड जो कि पॉजिटिव टेस्ट देंगे, राइट, जो हम पढ़ चुके हैं। ना गाइस, होता क्या है कि जो मेरा फेहलिंग सॉल्यूशन है, राइट, जो उसमें मेरा फेहलिंग सॉल्यूशन है उसमें जो रिएक्टिव स्पीसी है, राइट, कॉपर टू जो कॉम्प्लेक्स है गाइस, राइट, उसमें जो एक्टिव स्पीसी है कॉपर NH3-4, राइट, कॉपर NH3-4 का जो कॉम्प्लेक्स है, राइट, जो कॉपर NH3, ये गाइस ये बोलते हैं कि CuNH3-4-2+, ये एक रिएक्टिव, जो इसमें जो रिएक्शन होता है वो इसकी वजह से होता है, और जो कॉपर NH3 इसको बोलते हैं, और इसमें जो आप अगर ध्यान से देखें तो कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, राइट, तो हम इसको यहाँ यूज़ करेंगे। नाउ ये OH नेगेटिव सिग्निफाइज बेसिक मीडियम फ्रॉम, सपोज जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग एल्कली में लिया था NaOH या NH4OH, वो ये बेसिक मीडियम डिफाइन कर रहा है, राइट। नाउ गाइज रिमेंबर, मैं एक आपको मिस कर गया शायद बताना कि जो मेरा फेहलिंग सॉल्यूशन है इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है, इसलिए आप हमेशा याद रखें। क्यों कैसे होता है वो आप अब प्रैक्टिकली इधर देखेंगे। फेहलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, लेकिन एक आप जस्ट रिमेंबर रखें कि इट्स नॉट अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। सपोज मैं अगर जैसे टोलरेंस रिएजेंट है,
अगर उसके साथ कंपेयर करूँ सो मेरा जो फेलिंग है वो लिटिल बिट वीकर सॉल्यूशन है और वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसकी वजह से इसका जो नतीजा होता है वो ये क्या होता है गाइस, कि जो मैंने आपको क्या बताया था कि बेंजल डिहाइड फॉर एग्जांपल एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं जैसे बेंजल डिहाइड, वो ऑक्सीडाइज वो फेलिंग सॉल्यूशन पॉजिटिव नहीं देते, और बल्कि अगर आप आगे पढ़ेंगे जस्ट फॉर FYI कि जो टोलेंस रिएजेंट है वो बेंजल डिहाइड के साथ या एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे देता है। तो बेसिकली रीज़न यही है गाइस इसका, कि जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन है कंपैरेटिवली वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसकी वजह से ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, राइट एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिसमें ये जो डबल बोन्ड ओ है, देख रहे हैं आप इधर जो ये सी के साथ डबल बोन्ड ओ है इसमें कॉन्जुगेशन में, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, राइट तो इस वजह से ये बिकॉज इट्स अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको तो ये समझ में आ गया। नाउ रिएक्शन बेसिकली होती क्या है गाइज, हमने देखा कि जो एल्डिहाइड है वो कॉपर 2+ के साथ जब रिएक्शन करता है इन अ बेसिक मीडियम तो वो ऑक्सीडेशन हैपेंस और वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में, राइट कार्बोक्सिलेट आयन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ना वो हो क्या रहेगा गाइस, अगर आप मैं दोबारा से इसको देखूं तो जो RCOOH है वो जब गाइस Cu2+ के साथ रिएक्शन कर रहा है, अगर आप गौर से देखें तो जो मेरा Cu2+ है, आई सेड कि ये रिएक्टिव स्पीसी किससे आया है, CuNH3O4 ये जो है इसके साथ ये रिएक्टिव स्पीसी है, इसमें कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स आप सिंपल वर्ड शब्द में बोल सकते हैं, ये फेलिंग सॉल्यूशन आप इसको मान के चलें, ये फेलिंग सॉल्यूशन है बेसिकली, राइट तो कॉपर 2+ ये ब्लू कलर्ड का था, राइट जब ये रिएक्शन करता है तो ये हुआ क्या RCOO, इसका गाइस नेगेटिव में कन्वर्ट होगा और Cu+ देगा। नो गाइस जो ये Cu2 ये Cu+ है ये होता है रेड कलर का, और इसकी प्रेजेंस आपके जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें होती है, और ये क्या बनता है इसी की वजह से रेड कलर का सॉल्यूशन बन जाता है और हमारा सॉल्यूशन पॉजिटिव होता है। नाउ अगर आप इसमें देखें तो जो ये इधर RCOOH यानी एल्डिहाइड से जब हम ये तो इधर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो कॉपर है आपका अगर आप इधर देखें ये जो कॉपर 2+ से आप कॉपर प्लस पे आ रहा है, इधर हो रहा है रिडक्शंस, तो दैट्स वाई इट इज़ प्रूव्ड कि जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन है हियर क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है लेकिन खुद रिड्यूस हो रहा है। नाउ ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है गाइस, कॉपर 2 आयंस बोल सकते हैं आप इसको, क्यूप्रिक आयंस बोल सकते हैं इसको आप, ए सिमिलरली जो Cu+ है आप इसको कॉपर 1 आयन यानी दैट इज कॉपर 1+ आयंस बोल सकते हैं, ये रेड कलर का है इसको हम आल्सो से इट्स आल्सो नोन एज Cu+ आयंस। और गाइस नाउ गाइस आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये RCOO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयंस ये नेगेटिव आयंस क्यों है, राइट बेसिकली गाइस होता क्या है कि हमें पता है कि ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, और हमें पता है गाइस जब भी गाइस ये ऑक्सीडाइज होगा ना RCOOH में, सपोज आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया लेकिन बेसिक मीडियम होने की वजह से गाइस ये एसिडिक एच निकाल लेता है इसका, हमें पता है कि गाइस अगर OH SH NH या ट्रिपल बॉन्ड CH है तो उसमें जो एच हैं ये एसिडिक एच होते हैं, इस वजह से बेसिक मीडियम में ये एच निकल जाता है और ये बन जाता है। नाउ गाइस होता क्या है कि जो ये Cu+ है रेड कलर जो कॉम्प्लेक्स है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है Cu2O के फॉर्म में, राइट ये जो Cu+ आयंस हैं ये इस तरह से प्रेसिपिटेट हो जाता है और इसे रेड कलर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, रेड कलर का ये होता है और ये इस वजह से रिएक्शंस देता है। नाउ गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फेलिंग सॉल्यूशन है रिड्यूसिंग शुगर्स उसको पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स उसका पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, राइट और रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, फॉर्मूला इनका फॉर एग्जांपल गाइस जैसे मोनोसेक्राइड्स हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स
आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, सॉरी रिड्यूसिंग शुगर्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स, लेकिन अगर आप आगे देखेंगे डाइसैकेराइड वगैरह, वे सभी रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं होती, राइट। नाउ गाइस, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या क्या हैं, अगर आप इसको देखें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर जैसे ये सी एच ओ है, अगर ये फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल का मतलब सपोज ये एंड पे अवेलेबल है इनके, राइट। अगर इनके ये एंड पे अवेलेबल है तो ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए क्वालिफाई करता है। अगर बीच में कहीं सपोज जैसे इधर है, अगर ये हाइड्रोक्सिल अल्फा हाइड्रोक्सिल, ये आपका जो है एग्जांपल, ये है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स का एग्जांपल, राइट। अल्फा, ये गाइस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स है, फ्रक्टोज इसको हम बोलते हैं, सिमिलरली जो है सी एच ओ इसके एंड पे है इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। नाउ गाइस, आप जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं इसको हम और भी बोल सकते हैं एल्डोज, एल्डोज मोनोसेक्राइड्स या कीटोज मोनोसेक्राइड। जी गाइस, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा इन्फो दे रहा था आपको, कन्फ्यूज मत हो आप प्लीज़। नाउ गाइस, क्योंकि आपने देखा कि अल्फा ये कीटोन के अल्फा पोजिशंस पे OH ग्रुप्स हैं, इस वजह से ये आपका पॉजिटिव टेस्ट देंगे, दोनों जो आपके रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वे पॉजिटिव टेस्ट दे। नाउ गाइस, एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो फेहलिंग सॉल्यूशन है वो हमने फेहलिंग ए और फेहलिंग बी करके क्यों लिया, और उसको हमेशा लैब जब भी हम टेस्ट करेंगे उसी टाइम पे मिक्स क्यों करते हैं, क्या डिफरेंस होगा कि अगर फेहलिंग ए फेहलिंग बी को मिक्स करके ही हम लैब शेल्फ रखें। बेसिकली होता क्या गाइस, जो अगर आप गौर से देखें तो जो फेहलिंग ए है, राइट, उसमें आपके सी यू टू प्लस क्यूप्रिक आयंस होते हैं, राइट, और जो फेहलिंग बी है इसमें आपके बेसिक या ओ एच नेगेटिव आयंस होते हैं, एन एच फोर ओ एच फॉर एग्जाम्पल, राइट। अगर आप इसको मिला के रखेंगे तो गाइस, अगर मैं सी यू टू और ओ एच को रखूँगा तो मेरा ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, राइट, ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे पहले और क्या दे जाएंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड, राइट, क्यूप्टिक हाइड्रो, ये जो सी यू ओ एच का होल ट्वाइस है इस टाइप का कंपाउंड दे देगा, लेकिन मुझे मिलना है सी यू टू ओ। डेट इज़ वाई गाइज, अगर ये काफ़ी लंबे टाइम तक रखा रहे, बेसिकली होता क्या है गाइज, जब भी मैं इसमें टार्ट्रिक सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ये ऐड करता हूँ और जो ये रिएक्शन है ये काइनेटिकली फेवर्ड है, आप इस टर्म को समझें, जो ये रिएक्शन है वो काइनेटिकली तो फेवर की जाती है बट थर्मोडायनेमिकली ये फेवर नहीं है, मतलब कि अगर आप एकदम से रिएक्शन करके आप फेहलिंग में डोल देंगे तो ये हमारा डिजायर रिजल्ट दे देगा, लेकिन लंबे टाइम में जब आप इसको रखेंगे आइडियली रखे बना के हम शेल्फ पे रख दें दोनों को मिक्स करके, तो उसमें क्या होता है गाइज, वो सी यू टू ओ के बजाय सी यू ओ एच का होल ट्वाइस यानी ये हाइड्रोक्साइड बना देगा और जो इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा और हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। और यही कारण है गाइज, अगर आप फेहलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को आप कंपेयर करें तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में हम टार्ट्रिक एसिड के बजाय सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं और ये प्रॉब्लम नहीं देता, आप जस्ट FYI आपको बताने के लिए, ओके। नाउ गाइस, एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जो हेमी एसिटल है वो पॉजिटिव सॉल्यूशन कैसे देता है, उसमें तो गाइस आपने देखा तो कि डबल बॉन्ड O भी नहीं है, मैंने देखा भाई एल्डिहाइड है, राइट। होता क्या है गाइस, जब भी आप इसको हेमी एसिटल को किसी बेसिक मीडियम में डालते हैं, बेसिक मीडियम हमारा है गाइस जैसे वो कैसा आता है आपका फेहलिंग बी के एल्कली वाले कम पार्ट से, राइट। तो बेसिक मीडियम क्या करता है गाइस, इस एच को निकालता है, इट इज़ एसिडिक हियर, राइट, एसिडिक एच निकालता है जो, और क्या एन नेगेटिव रह जाएगा, राइट, कैसे इस टाइप से मैं आपको दूसरे उस पर दिखाता हूँ, एसिडिक एच निकाल लेगा और यहाँ पे ओ नेगेटिव रहेगा, राइट, और अगेन ये स्टेबलाइज होके इसको एज ए लिविंग ग्रुप निकाल देता है और मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपल एल्डिहाइड, राइट। अब बेसिक मीडियम में गाइस ये जो मेरा हेमी एसिटल है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, राइट, और इसकी वजह से ये पॉजिटिव सॉल्यूशन दे देता है। बट इन दिस केस गाइस, अगर मैं एसिटल का केस देखूँ, एसिटल के केस में गाइस जब भी बेसिक मीडियम होगा इसमें कोई एच नहीं है, तो यार ओ एच ओ के ऊपर एच नहीं है, इसलिए ये
जो बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं देगा, राइट। और इस क्योंकि रिएक्शन नहीं देगा और आइडियली यही रहेगा तो कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं देता। सिमिलरली गाइस, इसमें भी कोई एसिडिक एच नहीं है और इस केस में भी कोई एसिडिक एच नहीं है, राइट। सॉरी, जैसे आप हेमिकेटल के एग्जांपल लें तो ये OH है, अगर मैं वहाँ पर दोबारा ड्रॉ करूँ तो जैसे इस टाइप से OH एंड OR। इस केस में गाइस होता क्या है कि एसिडिक एच तो निकाल लिया, लेकिन मिलेगा क्या मुझे, नेगेटिव ये बन जाएगा और ये निकल जाएगा, ये मेरा गाइस इसमें बन जाएगा कीटोन, और मुझे पता है कीटोन पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते फेलिंग सॉल्यूशन का। सिमिलर गाइस में OH नहीं है तो ये भी नो रिएक्शन देगा और ये कोई टेस्ट नहीं देगा, बस यही देगा, राइट। आई होप गाइस आपको अब तक समझ में आ रहा है। नाउ गाइस एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल अमीन्स हैं वो बेसिकली रिएक्शंस दे क्यों रहे हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन्स के केस में क्या है, हमने एसिटल्स के केस तो देख लिया कि इस केस में जो एसिडिक एच है और ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें एल्डिहाइड में, लेकिन एक्चुअली गाइस होता क्या है कि जो हाइड्रोक्सिल अमीन्स हैं उस केस में क्या है कि जो हाइड्रोक्सिल अमीन्स है कि लाइक एल्कोहल, ओके, इट इज़ ऑक्सीडाइजेबल, ठीक है, ऑक्सीडाइजेबल है ये, आप इसको ध्यान रखें। कैसे, देखिए हाइड्रोक्सिल अमीन का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का होगा, RNHOH। गाइस ये आपको ध्यान रखें, कहीं भी पूछा जा सकता है और ITJEE के क्वेश्चंस में स्पेशली ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपको PhD करने की जरूरत नहीं है हर क्वेश्चन में, राइट। तो एक हाइड्रोक्सिल अमीन का बेसिक फॉर्मूला है ये, राइट, R की जगह H, सपोज H CH3 CH2 CH3 बेंजीन का रिंग, कुछ भी हो सकता है, राइट। नाउ होता क्या है गाइस, जो आपका हाइड्रोक्सिल अमीन है या उसका साल्ट है वे एक्ट करते हैं पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट हैं, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हैं, राइट। तो इसका मतलब जब भी वो कॉपर सल्फेट के साथ गाइस रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन होती क्या है कि कॉपर सल्फेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं गाइस सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सिल अमीन ले लेता हूँ NH2OH, राइट। जब भी वो बेसिक मीडियम में उसके साथ रिएक्शन करते हैं कॉपर या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो वो बेसिकली अगेन हम देखेंगे रिड्यूस हो जाता है, राइट। और रिड्यूस होके क्या दे देगा मेरा N2O, राइट। नाउ इस स्टेज में अगर देखें आप तो जो NH2OH की जो इसमें ये आ जाती है, इसमें जो Cu2+ है आपका Cu+ में कन्वर्ट हो जाता है, रेड सॉल्यूशन देगा, और अगेन गाइस हियर N2O का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो N+ है, आपको जस्ट FYI जो कंप्लीट रिएक्शन है जस्ट मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी को इश्यू हो तो कंप्लीट रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, इस तरह की गाइस, और ये आप फाइनल रिजल्ट, और ये आपका जो मेन रीज़न मैंने बताया आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट से ये ऑक्सीडाइज कर देता है इसको, खुद खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसको रिड्यूस करने के चक्कर में, और डेट इज़ वाई जो फेलिंग सॉल्यूशन का जो टेस्ट है ये जो हाइड्रोक्सिल अमीन्स हैं वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, राइट गाइस। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से इतना ही इस वीडियो में फेलिंग सॉल्यूशन में। कोई भी इश्यू हो गाइस प्लीज़ मुझे बताएं, कोई टॉपिक आपको सही समझ में आया है, ओके गाइस। सो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके गाइस। सजेशंस, एनी सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम, आपको किसी तरह का सजेशन देना है मुझे कि वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई टॉपिक को लंबा या छोटा, क्वेश्चंस किस तरह के बताने, प्लीज़ मुझे बताइए, राइट गाइस। टिल देन गुड बाय।